हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबीडी से राइफल लाइफ। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट टू है कौन से वीडियो का, जो हमने पिछले वीडियो में चार या पांच वीडियो से पहले हमने जो वीडियो बनाया था स्कोप का, बेस्ट स्कोप फॉर स्प्रिंगर है राइफल करके, तो इसका पार्ट टू है। हम पार्ट टू इसलिए लाए कि उस वीडियो में आपने ढेर सारा प्यार और सपोर्ट भी हमको दिया है, और दूसरा है कि बहुत सारे भाइयों ने नीचे कमेंट में बोला था और आज भी कमेंट आ रही है कि हमारे पास ये राइफल है, उस पर कौन सा स्कोप लगा है, आपने डिटेल्स उसमें नहीं बताई थी, स्कोप के मॉडल के बारे में हमको नहीं बताया था, तो प्लीज़ स्कोप का मॉडल हमें बताइए, इससे राइफल पे स्कोप लगाएंगे तो चलेगा। तो वीडियो पूरा देखना दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के बाद भी आपके दिमाग में कोई डाउट रहता है तो मैं समझूंगा कि आपने वीडियो पूरा ध्यान से नहीं समझा और नहीं देखा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रेक बेयर राइफल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक नाइट्रो पिस्टन में और दूसरा स्प्रिंग पिस्टन। अब नाइट्रो पिस्टन की बात करें दोस्तों, तो इसको हम फोर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर है कि नाइट्रो पिस्टन अगर आपके पास एयर राइफल है तो इसपे आपको कौन सा स्कोप और कौन से माउंट के साथ इस पे आपको स्टोर करने का होगा। तो नंबर एक कि अगर आपके पास ग्लास एक्चेट रेटिकल है तो ग्लास एक्चेट प्लस डियाना जेडर माउंट के साथ आप इस पे लगाओ। ग्लास एक्चेट रेटिकल वाला स्कोप भी होना चाहिए और जेडर माउंट भी आपके पास होना चाहिए, तो नाइट्रो पिस्टन एयर राइफल के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। अगर दोनों में से कोई एक आपके पास नहीं है तो इसको दूसरे ऑप्शन में हम रखेंगे दोस्तों। अब इस पे हम देखेंगे कि आपके पास ग्लास एक्चेट रेटिकल नहीं है तो आप इस पे कोई भी स्कोप लगा दो, एनी स्कोप, लेकिन जेडर माउंट आपको इस पे लगाना पड़ेगा दोस्तों। ऑप्शन टू में क्या है कि कोई भी स्कोप आपके आप नाइट्रो पिस्टन या राइफल पे लगा लो, लेकिन जेडर माउंट आपके पास होगा। ग्लास एक्चेट रेटिकल स्कोप आपके पास नहीं है लेकिन जेडर माउंट है और आप नाइट्रो पिस्टन पे लगाते हो तो ये चलेगा दोस्तों। और नंबर थ्री पे कि अगर आपके पास ग्लास एक्चेट रेटिकल वाला स्कोप तो है लेकिन जेडर माउंट नहीं है, जेडर माउंट नहीं है ये है, और ये आपके पास ग्लास एक्चेट नहीं है, जेडर माउंट है, और ये आपके पास दोनों है, तो ये ऑप्शन होगा तो सबसे बढ़िया रहेगा, आपको कभी देखना नहीं पड़ेगा दोस्तों। और अगर ये नहीं है और तो दूसरा ऑप्शन भी आपके लिए अच्छा रहेगा कि कोई भी स्कोप लगा लो लेकिन डियाना जेडर माउंट के साथ, और तीसरा ऑप्शन ये रहेगा कि ग्लास एक्चेट रेटिकल वाला स्कोप है और जेडर माउंट नहीं है तो भी चलेगा दोस्तों। और चौथा ऑप्शन ये है कि ग्लास एक्चेट रेटिकल वाला स्कोप भी नहीं है और जेडर माउंट भी आपके पास नहीं है, तो ये तीन ऑप्शन तो दोस्तों आपके लिए बढ़िया रहेंगे कि नाइट्रो पिस्टन एयर राइफल। सबसे पहले इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, नाइट्रो पिस्टन एयर राइफल की बात करें तो ग्लास एक्सेप्ट प्रैक्टिकल एंड डियाना जेडर माउंट ये दोनों कंपलसरी होने चाहिए, तो आपको कभी दोस्तों देखना नहीं पड़ेगा और आपकी एयर राइफल एंड स्कोप कभी जीरो आउट नहीं करेगी। और ऑप्शन दो क्या है कि आपके पास ग्लास एक्सेप्ट प्रैक्टिकल स्कोप नहीं है और जेडर माउंट है तो कोई बात नहीं, आप लगा लो, जीरो आउट नहीं होगा। और ऑप्शन थ्री, ग्लास एक्चेट रेटिकल वाला स्कोप तो है आपके पास लेकिन जेडर माउंट दोस्तों आपके पास नहीं है तो इसके लिए तो भी चलेगा दोस्तों, तो ये तीन ऑप्शन है। और फोर्थ ऑप्शन ये है कि ग्लास एक्चेट रेटिकल वाला स्कोप भी नहीं है और जेडर माउंट भी नहीं है, तो इस हालत में क्या होगा दोस्तों, तो इसमें ये होगा कि आपकी एयर राइफल 40 and 50 शॉट के बाद जीरो आउट कर जाएगी। 40-50 शॉट के बाद अगर ये पोजीशन आप सेलेक्ट कर दे हो कि ग्लास एक्चेट रेटिकल वाला स्कोप भी नहीं है और जेडर माउंट भी नहीं है,
तो आपका स्कोप एंड अराइवल जीरो तो होगी, लेकिन 40 एंड 50 शॉट के बाद ये जीरो आउट कर जाएगी दोस्तों। तो ये था नाइट्रो पिस्टन के लिए। और स्प्रिंग पिस्टन एयर राइफल आपके पास है, तो स्प्रिंग पिस्टन एयर राइफल के लिए क्या ऑप्शन होगा, तो मैं आपको बता दूं, लास एच एफ इलेक्ट्रिकल एंड जेडआर माउंट, ये कंपलसरी दोस्तों स्प्रिंग पिस्टन के लिए जरूरी होगा। अगर दोनों में से कोई एक आपके पास नहीं है, ग्लास एक्सटेंड स्कोप भी नहीं है एंड जेडआर माउंट भी नहीं है आपके पास, तो ये स्प्रिंग पिस्टन एयर राइफल एंड स्प्रिंग पिस्टन एयर राइफल पे लगाया हुआ स्कोप ये कभी जीरो नहीं होगा दोस्त। ये जीरो आउट ही करेगा। तो ये था दोस्तों, दोनों में मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया कि नाइट्रो पिस्टन में तीन ऑप्शन है आपके पास, चौथा ऑप्शन है लेकिन दोस्तों मैं इसको नहीं मानता हूं। तीन ऑप्शन क्या है कि ग्लास एचएफ इलेक्ट्रिकल एंड डियाना जेडर बाउंड, ये एक है। ये दोनों अगर आपके पास है और नाइट्रो पिस्टन एयर राइफल है तो बहुत ही बढ़िया होगा आपके लिए, आपकी एयर राइफल कभी जीरो आउट नहीं करेगी। और नंबर दो कि आपके पास ग्लास एचएफ इलेक्ट्रिकल नहीं है और जेडर माउंट है आपके पास, तो भी बढ़िया है, तो भी आपकी गन जीरो आउट नहीं करेगी 99%। ऑप्शन थ्री क्या है, ग्लास एचएफ इलेक्ट्रिकल है लेकिन जेडर माउंट नहीं है, तो दोस्तों जेडर माउंट ना होगा आपके पास तो भी ये 98% जीरो आउट नहीं करेगी, चलेगा। और चौथा ऑप्शन दोनों में से कोई भी नहीं है दोस्तों, तो जीरो तो हो जाएगी लेकिन जैसा मैंने आपको बताया 40 एंड 50 शॉट के बाद जीरो आउट कर जाएगी। तो आई होप कि आपको नाइट्रो पिस्टन या राइफल पे कौन सा स्कोप लगाना है और कौन सा माउंट लगाना है ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और स्प्रिंग पिस्टन या राइफल के लिए दोस्तों कंपलसरी ग्लास एचएफ रेटिकल एंड जेडआर माउंट नहीं लगाओगे तो आपकी गन जीरो नहीं होगी कभी, क्योंकि स्प्रिंग पिस्टन में दोस्तों जो रिकॉइल होता है वो ज्यादा होता है, जो वाइब्रेशन होता है गन का वो ज्यादा होता है अपोजिट टू नाइट्रो पिस्टन के। इसमें दोस्तों 40% रिकॉइल होता है अगर मैं मेरे हिसाब से कहूँ, और इसमें 100% रिकॉइल होता है, तो रिकॉइल की वजह से जीरो आउट कर जाएगी। और इसमें रिकॉइल होता है लेकिन इतना नहीं होता, इसलिए जीरो आउट नहीं करेगी। तो आई होप कि दोस्तों ये पूरा आपको ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसको लिख भी सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको याद रहे दोस्तों ये जो मैंने आपको डिटेल वाइज मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे कि कौन सा स्कोप ग्लास एक्सेट रेटिकल वाला आता है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, ग्लास एक्सेट रेटिकल स्कोप, तो नंबर एक डिस्कवरी का VT3 मॉडल, VT3 सीरीज, VT3 सीरीज टोटल ग्लास एचएफ रेटिकल है। अब VT3 सीरीज में बहुत सारे मॉडल आते हैं दोस्तों, पहले मॉडल की बात करूं तो VT3 3 12 44 पहला ये मॉडल आता है दोस्तों। VT3 सीरीज टोटल ग्लास एक्सेट रेटिकल है और VT3 सीरीज में फर्स्ट वाला मॉडल जो मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ दोस्तों और मैं खुद इसको यूज करता हूँ, ये वाला मॉडल है VT3 3 12 44, 3 से 12 तक मैग्निफिकेशन इसका होता है, जूम है, और 44 जो है वो इसका जो फ्रंट ग्लास आता है एडजस्टेबल ऑब्जेक्टिव लेंस जिसको हम कहते हैं 44 इंच का होता है दोस्तों। तो ये है VT3 मॉडल, एंड दूसरे मॉडल भी आते हैं VT3 3 12 40 भी आता है, और दूसरे VT2 सीरीज भी ग्लास एचएफ रेटिकल आती है। VT2 सीरीज में भी 2 या 3 मॉडल है, VT2 3 12 44 सेमी मॉडल है और एक 40 एडजस्टेबल ऑब्जेक्टिव जो लेंस है वो 40 mm का है दोस्तों। और दूसरा हॉक का आता है, जो मॉडल मैं आपको बता दूं दोस्तों वो मॉडल है विंटेज 3x9x40,
तीन से नौ तक जूम है और 40 mm का फ्रंट ग्लास एडजस्टेबल ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो 40 mm का है। ये भी ग्लास एडजस्टेबल आता है दोस्तों, जो मैं आपको दिखा देता हूँ इमेज में, यहाँ पे आपको दिखता होगा दोस्तों, जैसा कि इसमें डिटेल वाइज दिखा है कि ग्लास एडजस्ट रेटिकल स्कोप है। और दूसरा दोस्तों एलिमेंट ऑप्टिक हेलिक्स, अगर आप एक्सपेंसिव स्कोप लेना चाहते हो तो एलिमेंट ऑप्टिक्स के लिए जा सकते हो, इसके सारे मॉडल ग्लास एडजस्ट रेटिकल है। तो बोर्ड पे आपको समझाने के लिए कैमरे में थोड़ा ब्लरिंग का इश्यू आ रहा है, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, पॉसिबल ट्राई करते हैं आपको अच्छे से समझाने में। तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो दोस्तों समझ में आ गया होगा जो मैंने डिटेल वाइज आपको समझाया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना और इंस्टा पे भी DM करके हमें पूछ सकते हो। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे भी आपको एयरगन रिलेटेड ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियोज मिलने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।